आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब हम समझ गए। आप कह रहे हैं तोड़ते हैं, मतलब तोड़ते हैं, इक्वल है दोनों का पैटर्न। सरवर साहब आपके पॉइंट को हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है समय समय पर। दिनेश कपूर हिस्टोरियन इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए, आप सरवर साहब की बातों से कितना इत्तफाक रखते हैं? महाराष्ट्र में हमने अहमदनगर कोल्हापुर में ये जो दो घटनाएं देखी है जिसका कनेक्शन साफ तौर पर सामने नजर आता है, क्या समझा जाए औरंगजेब को, विलेन या हीरो? क्यों जिंदा करने की कोशिश एक बार फिर से औरंगजेब को, जरूरत है इसकी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या ये डिबेट उसको हीरो समझा जाए या विलेन, वो किस हिसाब से हीरो है? हमारे गुरु श्री तेग बहादुर जी का सिर कलम किया रेड फोर्ट के सामने, जहाँ पर आज गुरुद्वारा बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा, ये किस लिहाज से उसको हीरो बनाता है? मंदिर तोड़े, ये किस लिहाज से? देखिए एक बात बताएं आप मुझे, आप एक कॉमन छोटी सी बात का जवाब दें, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मेरा ही मेरा मजहब है, ये कहाँ की, ये कौन सा लॉजिक है? इस लॉजिक का कोई कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर अगर आप उसका इतिहास उठा के देखें औरंगजेब का, तो जब वो अपने ही बाप की तरह उसके पैर और हाथ भी खून से रंगे हुए थे, अपने ही भाइयों के, अपने ही स्टेप ब्रदर्स के, जब वो सिंहासन पे बैठा, उसके बाद उसने बैठने के बाद क्या किया? 1658 में उसने अपने पिता को कैद कर लिया, बहाना क्या बनाया कि ये आदमी हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा, क्योंकि शाहजहां जो था वो ऐसा इतना फैनेटिक नहीं था अगेंस्ट, तो ये हिंदुओं के कर रहा है तो ये इस्लाम का विरोधी है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इसको कैद किया। और कैद करने के बाद क्या किया? अपने ही बाप के लिए पानी की सप्लाई फोर्ट में बंद करा दिया, आगरा फोर्ट में उसको तड़पा दिया पानी के लिए, जिसकी वजह से उसको उसको अकोमोडेट करना पड़ा, शाहजहां को दरवाजे खोलने पड़े। उसके बाद जजिया वापस ले आया जो 100 साल पहले अकबर ने एबॉलिश किया था, हालांकि अकबर ने की बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन जजिया वापस, जजिया किसके लिए? धिमिस के लिए, मतलब धिमिस जो नॉन मुस्लिम है वो आप बताएं मुझे, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का पूरा प्रतीक था उसको तोड़ दिया, मथुरा में जो श्री कृष्ण मंदिर। सर आपके माध्यम से कई ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, आपने इतिहास पढ़ा है और जो आप बता रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कई मंदिर तोड़ने का भी काम किया है औरंगजेब ने। मेरे पास किताब है, मैं लेके आया हूँ इसीलिए अपनी भी। और ठीक है प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगी, शशि भूषण जी, कई सारे तथ्य हैं जिसके बारे में हमने भी अपने दर्शकों को बताया और आप लोग जो इतिहासकार हैं उनके माध्यम से भी जानने का मौका मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुआ है, क्या औरंगजेब का बेवजह का जिक्र लाना एक सोची समझी साजिश है? ये कौन लोग हैं जो औरंगजेब के पोस्टर लेकर के नाच रहे, गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हीरो बता रहे हैं? देखिए मैं अपनी बात करने से पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले, मैं जहाँ से बहस शुरू हुई है मैं उस पर पहले स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि यह एक बहुत गलत तरीका है कि औरंगजेब जैसे धूर्त और अत्याचारी शासक का, जो न केवल भारतीय इतिहास का बल्कि खुद अपने वंश का भी अपराधी है, वो है ना, जिसे ये लोग खानदाने तैमूरिया कहते हैं, पता नहीं, मैं नहीं मानता इसकी कोई क्रोनोलॉजी मिलती है खानदाने तैमूरिया का, लेकिन खानदाने बाबरी का तो था, वो खानदाने बाबरी का भी वो अपराधी है जिस बाबर ने अपने बाल बच्चों को कितने तमीज से समझा करके अपनी सत्ता का बंटवारा किया था, अकबर शाहजहां, अकबर जहांगीर और शाहजहां के समय भी रहा। ये इतना बड़ा अत्याचारी था कि इसने अपने बाप, अपने भाइयों, मैं तो कहूँगा वो स्टेप ब्रदर की बात नहीं है कपूर साहब, ये तो उसके अपने सगे भाई थे, बिल्कुल अपना भतीजा, उसी के एक भाई से अपने भतीजे के एक भाई से अपनी बेटी की शादी कर रहा है और एक भतीजे को कत्ल करवा रहा है, भाई को कत्ल किया, दूसरे भाई को कत्ल किया, तीसरा भाई उसका बंगाल भाग के दर दर भटकता हुआ मरा, तो वो खुद अपने खानदान का अपराधी है, भारतीय इतिहास का अपराधी है। जहां तक क्रूरता का सवाल है, जहां तक क्रूरता का सवाल है, तमाम किस्से हमने भी इतिहास में पढ़े हैं और आप लोगों के जरिए जो अभी मौजूदा स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं।